नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में झुलसाती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। पाकिस्तान में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण राजस्थान में 19 से 21 अप्रैल तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे 12 जिलों में प्रदेश में तेज आंधी चलने के साथ आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहे श्रीगंगानगर धौलपुर के लोगों को राहत मिल सकती है। तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के अलावा जैसलमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और दौसा बेल्ट में देखने को मिलेगा। इस दौरान इन जिलों में 40 किलोमीटर स्पीड से तेज आंधी चल सकती है। वहीं कहीं कहीं आसमान बादलों से ढक सकता है। नागौर शहर में एक ही दिन में लूट की दो बड़ी वारदात हो गई। सुबह फर्जी इनकम टैक्स व्यापारी बनकर चाय व्यापारी को लूटा गया तो दोपहर होते होते दो बाइक सवार बदमाश HDFC बैंक के बाहर अनाज फैक्ट्री संचालक रविंदर गौड़ की कार में रखे 9 लाख रुपये से भरा बैग लेकर भाग गए। फैक्ट्री संचालक BOB बैंक से 9 लाख रुपए कैश लेकर चेक की इंक्वायरी के लिए HDFC बैंक पहुंचा था। जब व्यापारी बैंक से वापस रवाना हुआ तो रुपयों से भरा बैग कार की पिछली सीट पर रख दिया। जैसे ही व्यापारी कार स्टार्ट करने लगा तभी बाइक सवार दो युवक आए और कार लॉक होने से पहले ही 9 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के सोने घर से 25 लाख रुपए से ज़्यादा के सोने चांदी के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। प्रोफेसर अपनी बेटी के साथ शादी में कोटा गए हुए थे। जब वे अपने घर लौटे तब चोरी की घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत हिसालकर शहर के जय हिंद नगर जैन मंदिर के पास एक किराए के घर में रहते हैं। डॉक्टर हिसालकर कॉलेज गए हुए थे और वहीं से सीधे कोटा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही अपनी बेटी के पास चले गए थे। जब वापस लौटे तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ पड़ा था। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से 25 लाख रुपए से ज़्यादा के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सारंगपुरा गांव में एक 16 साल का बेटा मां के सामने ही करंट के तार की वजह से झुलस गया। मां ने उसे बचाने का भी प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन से इसमें करंट दौड़ रहा था लेकिन यह लाइन एक होटल के लिए जाती है इसलिए शट डाउन नहीं लिया। ऐसे में यह हादसा हो गया। मोहब्बतपुर GSS से एक होटल में 11,000 KV की लाइन जा रही है। सारंगपुरा गांव के निवासी 11वीं में पढ़ने वाला सचिन अपनी मां शंकुतला के साथ अस्पताल में दवाई लेने गए थे। बीच में बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, इस कारण मां बेटे पैदल ही आ रहे थे। इस दौरान अचानक सचिन का हाथ पोल को छू गया। पोल के छूते ही करंट से वह झुलस गया और उसकी मौत हो गई। टोंक जिले के लांबा रिसिंग थाना क्षेत्र के कांटोली नवरंगपुरा ढाणी में एक युवती ने जहर देकर युवक ने खुद की भी जहर खा लिया था। युवती सीमा ने 12 अप्रैल को दम तोड़ दिया था। आरोपी की भी 6 दिन बाद जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अंबापुरा निवासी 26 वर्षीय सीताराम बावरी नवरंगपुरा ढाणी पहुंचा और जबरदस्ती युवती सीमा को जहर दे दिया था और खुद भी जहर का सेवन कर लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां सीमा की मौत हो गई। वहीं आरोपी युवक सीताराम ने भी जयपुर में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का शव घर में पड़ा मिला। चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। सांगानेर थाने पहुंचे पति ने अपनी साली और मौसा ससुर पर पत्नी की हत्या का आरोप तक लगा डाला। पुलिस और FSL टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 35 प्रतापनगर निवासी 26 वर्षीय रवीना बानो का मर्डर हुआ है। करीब 3 साल पहले उसकी सलमान से शादी हुई थी। पत्नी पति अपने 1.5 साल के बेटे के साथ यहां रहते थे। पुलिस को शक है कि पति सलमान ने ही उसकी पत्नी रवीना की हत्या की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सवाईमाधोपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के महूकला गांव में टैंक पर पैर फिसल जाने से टैंक में डूबकर एक महिला शिक्षिका की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बिंदु वर्मा निवासी महूकला अपने घर में बने पानी के टैंक से पानी निकाल रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह पानी के टैंक में गिर गई। परिजनों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने बिंदु को टैंक से निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जयपुर की गलतागिर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 एंड्रॉयड मोबाइल और वारदात में यूज बाइक जब्त की है। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी शाहरुख, जुबेर उर्फ पिंडारी, वसीम उर्फ टुंडा, मोहम्मद हसीन और महबूब खान को गिरफ्तार किया है। रामगंज के रहने वाले आरोपी शाहरुख उर्फ मोटा, जुबेर उर्फ पिंडारी और वसीम उर्फ टुंडा मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। मोहम्मद हसीन और महबूब खान को औने पौने दाम में बेच देते थे। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर जिले के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची के मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने नवजात बच्ची को जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची के स्वस्थ होने पर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि भैरूजी मंदिर के पास किशन बाग में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई थी। वहां से निकल रही महिलाओं को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। झाड़ियों में बच्ची रोते मिलने पर उसे गोद में उठाकर शांत कराया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर आसपास के नवजात अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही बच्ची को फेंकने वाली माँ की तलाश कर रही है। राजस्थान में अधिकतर मंडियों में तेजी रही। सरस घी के 15 किलोग्राम टीन के भाव 100 रुपये बढ़कर 7600 रुपये तक पहुंच गए हैं। जयपुर मंडी में रिफाइंड तेल में प्रति 15 किलोग्राम टीन पर 30 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। चीनी में हल्की राहत रही। प्रति क्विंटल चीनी के भाव 15 रुपये गिरकर 3725 रहे। जयपुर मंडी में गेहूँ मिल डिलीवरी और गेहूँ मशीन क्लीन के भावों में 150 रुपये प्रति क्विंटल तक का उछाल आया। गेहूँ मिल 2375 तो मशीन क्लीन 2600 से 3000 तक बिका। सरसों में भी तेजी दर्ज की गई। सरसों लूज के भाव 6500 से 6600 रुपये और मिल डिलीवरी सरसों के भाव 7275 रुपये प्रति क्विंटल रहे। चना में हल्की गिरावट रही। श्रीगंगानगर मंडी में भी गेहूं, जौ और सरसों में तेजी रही, जबकि चना शनिवार के मुकाबले कुछ मंदा रहा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।